आज मदनी कसौटी में कौन कौन हिस्सा लेगा? जिन्होंने चेतान के बाद हथियार 12 से लेकर 4 तक पड़े हों। इमाद भाई तरीका बयान फरमा। 11 सवालात, फी सवाल 25 सेकंड, मुरादी शे, कोई भी मुकद्दस मकाम, कोई भी शख्सियत, इस्लामी शख्सियत, मजहबी शख्सियत, मदनी शख्सियत आपने सोचनी है, और आपके पास 11 सवालात, फी सवाल 25 सेकंड हैं। आपस में मुशावरत नहीं कर सकते, और 12वें में नाम मा मदनी फीस, ऐसा सवाल ये चलाएं। वक्त चलाएं। आपका वक्त शुरू हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम मोहम्मद एजाज अतारी, मरकज औलिया लाहौर से। पापा जान, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी जो मुरादी शय है वो इंसान है? नकम, मगर पहुंचाएगा करिश्मा। हाँ, जब तक उंगली नहीं पकड़ाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि आज पहुंचे हम। उंगली से भी नहीं जाएंगे, शायद दरवाजा खोलना पड़ेगा। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल अत्तारी है, मैं फिदान मदीना सरदार अब्बास से हाजिर हुआ हूँ। आपके जहन में जो शख्सियत है, क्या वो मर्द से हैं? नकम बाबा जान, आज के मदनी मुजाकरे में हिकमत का तस्करा हुआ है। ला कहते हैं वक्त किसी का सगा नहीं होता। चौथे सवाल का वक्त जारी है। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से हाजिर हुआ हूँ। बापा जान, आपकी मुरादी शख्सियत सहाबाए कराम में से है? ला प्यारे बापा जान, मोहम्मद तौकीर अत्तारी, यूके के मदनी काबीना डर्बी से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, क्या वो जाहिरी हयात से मुतसिफ है? ला करिश्मा पहुंचाएगा। ज़ाहरी हयात से मुत्तसिफ नहीं है, सहाबा इकराम अली रिदवान में से नहीं है, मर्द हैं, और आज की हमारी मुरादी शख्सियत पहुंचाएगा करिश्मा। छठे सवाल का वक्त जारी है। हफीज़ुर्रहमान अतारी, मदनी काबीना, बर्मिंगम, यूके। बाबा जान की खिदमत में सवाल है कि क्या उनका ताल्लुक हिंद से है? ला भले आदमी, हिंद से ताल्लुक नहीं है उनका, करिश्मा पहुंचाएगा। बापा जान, आपकी मुरादी शख्सियत अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम। 8वें सवाल का वक्त जारी है आपका। जुनैर अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची। आपकी बारगाह में अर्ज है कि आपकी मुरादी शख्सियत क्या मजार शरीफ, अरब शरीफ में? जिसको जिसमें मक्का मदीना है वो अरब शरीफ मुराद है तो ला। वैसे मैं बता देता हूँ, उनका मजार शरीफ बता दूं, दरवाजे का लॉक खोलता हूं, दरवाजा नहीं खोलता। सुभान अल्लाह। उनका मजार शरीफ फिलिस्तीन में, जिसको हम आमतौर पर फलिस्तीन बोलते हैं, है फिलिस्तीन। बापा जान, क्या उनकी वजह शोहरत बहादुरी है? ला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बापा जान, क्या वो करामत से मशहूर है? ला आखिरी सवाल है। अच्छा, अभी नाम लेना है, अब नाम लेना है, वक्त चला है भाई। तो नाम का 11 सवाल दरवाजे में धक्का मारता हूँ, अंदर जाएगा। क्या बात है, ऐसा धक्का तो वापस चाहिए। कुरान करीम में उनका जिक्र खैर है। अरे लो, अब तो जाओ, कुरान करीम में उनके नाम की पूरी सूरत है। अब तो पहुंचो यार, फिर मत बोलना नहीं बताया था कुछ। बापा, ये मदनी फीस के साथ पहुंचेंगे, बगैर मदनी फीस के? मदनी फीस बताएंगे, अब तो पहुंचना ही चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पापा जान, इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल इस साल, क्योंकि मैं डिवीज़न ज़िम्मेदार हूँ, तो इंशाल्लाह हमारे डिवीज़न से 10, 11, 12 रबीउ नूर शरीफ को 12 जमा 2 बसें मदनी काफिलों में सफ़र करेंगी। ये मदनी फीस है, आप सोच लो, अब जो ये बोलेंगे ना तो मदनी फीस होगी। 92 दिन चाहिए आपके। हाँ कहेंगे तो शव्वालुल मुकर्रम के बाद। करी दो ऐलान यार। लबैक लबैक। जवाब दुरुस्त है। हजरत सैयदना लुकमान रदियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की पूरी सूरत है कुरान करीम में, सूरह लुकमान। इनकी हकीम, इनको यूं ये डॉक्टर हकीम जो होते हैं ना,
یوں بولتے ہیں یہ حکیم، لیکن یہ حکمت کی باتیں ان سے بہت ظاہر ہوئی ہیں، ایک حکیم اس لیے ان کو بولتے ہیں جو میری معلومات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔